आज के लेक्चर के अंदर हम टू का लीजेंडर सिंबल फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन ओल्ड प्राइम पी इन मोडुलो 8 के अंदर। जैसे कि थ्योरम क्या कह रही है कि थ्योरम कहती है कि अगर पी एक ओल्ड प्राइम है तो कहते हैं कि टू का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू प्राइम पी, जहां पी ओल्ड प्राइम है, दिस इज इक्वल टू वन इफ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड एट और पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मोड 8 एंड दिस इज इक्वल टू -1 इफ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 8 और पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड 8। कहने का मतलब क्या है, कहते हैं कि पी एक ओल्ड प्राइम ले लिया, ठीक है, कहते हैं कि टू का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, इसका आंसर 1 आएगा। कब? अगर पी को जब हम 8 से डिवाइड करें, रिमाइंडर या तो 1 आए या फिर क्या आए, 7। 7 मतलब -1 ही हो गया, ठीक है। टू का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, इसका आंसर -1 आएगा। कब? अगर या तो जब हम पी को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आए, या रिमाइंडर कितना आए, 5 आए। 5 मतलब 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3, मतलब कह रहे कि अगर पी +-1 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका आंसर आएगा 1। 1 आने का मतलब 2 जो है उस केस में क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा, ठीक है। अगर कह रहे कि पी +-3 के कॉन्ग्रुएंट आ रहा है मोड 8 के अंदर, देन लीजेंडर सिंबल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू प्राइम पी वे पी इज ओल्ड, दिस इज इक्वल टू -1, यानी 2 क्वाड्रेटिक नोन रेसिड्यू हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने कल ये प्रूव किया था, जो 2 का लीजेंडर सिंबल है विद रिस्पेक्ट टू प्राइम पी वेयर पी इज ओड प्राइम, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर पी स्क्वायर माइनस में 1/8, सही है। अब किस मोड में हम काम कर रहे हैं, मोड 8 के अंदर काम कर रहे हैं। अब कोई भी नंबर मोड 8 में कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, या तो 8 के फॉर्म हो सकती है, 8 के का मतलब रिमाइंडर 0, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर रिमाइंडर कितना होगा, 7 होगा। तो यानी या तो फॉर्म 8 के होगी, अगर रिमाइंडर 1 है तो फॉर्म कैसी होगी, 8K+1, या रिमाइंडर कैसी होगी, 8K+2, या फॉर्म कैसी होगी, 8K+3, 8K+4, 8K+5 और 8K+6, ठीक है। और ये हो जाएगा 8K+7, ठीक है। किस कोई भी नंबर मोड 8 में इस फॉर्म का हो सकता है, या तो 8K फॉर्म 8K+1, रिमाइंडर 2 है तो वो 8K+2 हो गया, या 8K+3, 8K+4, 8K+5, 8K+6 या 8K+7। अब जो P है वो कैसा प्राइम दिया हुआ है, ओड प्राइम दिया हुआ है, ठीक है। P जो प्राइम है वो ओड प्राइम है। अगर P ओड प्राइम है तो P जो है वो 8K टाइप नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 8K टाइप जो है वो क्या है, इवन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पी जो है वो 8K+2 टाइप भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है, इवन है, जबकि हमारा प्राइम कैसा दिया हुआ है, ओड। तो वो पी जो है 8K+4 भी नहीं हो सकता, सेम पी जो है 8K+6 भी नहीं हो सकता। तो जो पी प्राइम है उसकी कौन कौन सी फॉर्म बची, या तो वो 8K+1 होगा, सही है, या वो 8K+3 होगा, या फिर फॉर्म कैसी होगी, 8K+5 होगी, या फिर कैसी होगी, 8K+7, ठीक है। मान लो पहले केस मान लिया, जब पी जो है वो 8K+1 टाइप है, जहां के क्या है, इंटीजर, यानी कहने का मतलब क्या है, जो पी है जब उसको आप 8 से डिवाइड करोगे, वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, किसमें, मोड 8 के अंदर, सही है, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, दिस इज इक्वल टू -1 की पावर पी स्क्वायर -1/8 होता है, ठीक है। पी की वैल्यू रख दो, यानी -1 की पावर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो गया, 64K² +1 +1 कितना हो गया, 16K p-1, ठीक है, p स्क्वायर -1 ये हो गया, बाय में कितना हो गया, 8, ये कट गया, और ये हो जाएगा -1 की पावर 8 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 8K² +1 कितना हो जाएगा, 2K, यानी ये हो जाएगा -1 की पावर 2 टाइम्स ऑफ 4K² +1 कितना हो जाएगा, k, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये नंबर कैसा है, इवन है, और -1 की पावर इवन कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि अगर पी 1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड 8 में, तो लीजेंडर सिंबल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पी वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड केस ले लिया, सेकंड केस क्या है, जब पी 8K+3 टाइप है, पी अगर 8K+3 टाइप है, यानी जो पी है जब उसको आप 8 से डिवाइड करोगे, वो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है।
तो टू का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, ये हमें पता है कि -1 की पावर पी स्क्वेयर -1/8 होता है। तो ये हो गया -1 की पावर पी स्क्वेयर, मतलब कितना हो गया 64 के स्क्वेयर, प्लस में कितना हो गया 9 हो गया, प्लस में कितना हो गया, तो ये हो गया 64 के स्क्वेयर प्लस में क्या हो गया 9 हो गया, 8 की 24, 24 दूनी क्या हो गया 48 की, ठीक है। माइनस में क्या हो गया 1, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर कितनी हो जाएगी 8 के स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 6 के, और प्लस में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कैसा है इवन, इवन प्लस में 1 क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा, और -1 की पावर ओड आंसर कितना आएगा -1 आएगा, यानी 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी, अगर पी 8 के प्लस 3 टाइप है तो आंसर कितना आ रहा है -1। नेक्स्ट केस है जब पी जो है पी इज ऑफ दी फॉर्म 8K+5, ठीक है। अब हम केस डिस्कस करेंगे जब पी 8K+5 टाइप का है, यानी जो पी है जब आप उसको 8 से डिवाइड करोगे वो रिमाइंडर कितना लीव करेगा 5, सही है। तो हमें पता है कि 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू ओड प्राइम पी दिस इज इक्वल टू -1 की पावर पी स्क्वायर -1/8 होती है, सही है। तो ये हो गया -1 की पावर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना हो गया 64 के स्क्वायर, प्लस में कितना हो गया 25, और प्लस में कितना हो जाएगा 80 के, माइनस में कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 8 के स्क्वायर, प्लस में 10 के, प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है इवन, ये भी क्या है इवन, और इवन प्लस में 3 क्या हो जाएगा ओड, और -1 की पावर ओड कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, यानी 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी दिस इज इक्वल टू -1 आ रहा है, कब, जब पी जो है 8K+5 टाइप है, यानी जो 2 है वो क्वाड्रेटिक नोन रेसिड्यू है व्हेन जो पी है इज ऑफ फॉर्म 8K+5 टाइप है, ठीक है। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं जब पी 8K+7 टाइप हो जाए, 8K+7 टाइप, यानी जब आप पी को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 7 बच रहा है, ठीक है। तो 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी दिस इज इक्वल टू -1 की पावर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर कितना आ गया 64 के स्क्वायर, प्लस में 49, प्लस में 112 के, माइनस में क्या हो जाएगा 1, पी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी 8 के स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा 14 के, प्लस में कितना हो जाएगा 6, इवन इवन इवन, और तीन टर्म्स इवन है, आप सम करोगे क्या आएगा इवन आएगा, और -1 की पावर इवन कितना आएगा +1 आएगा, यानी जब पी जो है 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 7 दे रहा है तो 2 का लीजेंडर सिंबल विद रिस्पेक्ट टू पी जो है वो कितना आने वाला है 1 आने वाला है, यानी जो 2 है इस केस के अंदर क्या बनेगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, ठीक है। तो हमने प्रूव किया है कि अगर p 1 के कॉन्ग्रुएंट हो या 7 के कॉन्ग्रुएंट हो, 7 मतलब -1 के कॉन्ग्रुएंट हो किस में मोड 8 में, तो 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, अदरवाइज अगर p जो है +3 के कॉन्ग्रुएंट हो या -3, -3 मतलब 5 के कॉन्ग्रुएंट है तो 2 जो है वो क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।